क्या करना चाहेंगे बेटे ध्रुव बेरा की प्रदर्शन को लेकर जो चल रहा है इस समय? अभी उसको डेब्यू का मौका मिला है और डेब्यू के हिसाब से उसने जो एक नया प्लेयर जिस तरीके से एक भारतीय टीम में खेल रहा है और उस हिसाब से उसने अपना 100% देने का पूरा कोशिश की है। क्या उम्मीद करते हैं आगे की प्रदर्शन? उम्मीद यही है कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे और भारतीय टीम के लिए अच्छे से अच्छा खेले और देश का नाम ऊंचा करे और अपना नाम ऊंचा करे। जिस तरह आप आर्मी से रिटायर हैं, कभी मन किया था कि बेटा आर्मी में जाए? जी, मैं आर्मी से रिटायर हूं और वैसे इच्छा थी कि बेटा आर्मी ज्वाइन करे, एनडीए की तैयारी करे और एक अधिकारी बनकर सेना में जाए, तो ये मेरे लिए एक सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी। अब क्रिकेट खेल रहा है तो? अभी क्रिकेट खेल रहा है तो वो भी भारत के लिए खेल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं भी भारतीय टीम में था और वो भी भारतीय टीम में है, मैं भारतीय सेना में था, वो भारतीय टीम में है, क्रिकेट टीम में। शुरुआत किस तरीके से हुई क्रिकेट की? शुरुआत बस ऐसे ही, जब समर कैंप लगते हैं, जब वो 6th या 7th क्लास में पढ़ता था तो समर कैंप में वो स्विमिंग की थोड़ा शौकीन था तो स्विमिंग के लिए गया। सभी बच्चे स्विमिंग करते हैं, वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल लेते, तो उसने भी देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बोला मैं भी क्यों ना थोड़ा ट्राई कर लूँ। जब उसने कहा कि मेरे से बोला एक पापा एक बल्ला दिलवा दो, तो एक 500-600 रुपये का कश्मीर ब्लो बल्ले आते थे लो रेंज के, उसे बल्ला दिलवाया, उससे वो खेलने लगा तो सभी ये देखने लगे कि ये लड़का काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो ये अगर प्रोफेशनल अगर इसको प्रॉपर इसके गार्जियन इसका ध्यान दें तो ये बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ये सैल्यूट किया था जो खेल समय उसको लेकर कहना चाहेंगे? सैल्यूट का मतलब मेरा पूरा परिवार, मेरे और भी भाई और मेरे गांव में से काफ़ी आर्मी में हैं, तो वो मेरे साथ आर्मी में भी मेरे साथ ही रहा है, तो वो मेरे डिसिप्लिन को देखता था कि पापा कैसे सैल्यूट करते हैं, कैसे वर्दी पहनते हैं, तो वो बचपन में भी कैप पहन के मेरे सामने आकर के सैल्यूट करता था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं पापा को, पापा ही नहीं पूरे भारतवर्ष को, भारतीय सेना को सैल्यूट किया है उसने। आगे क्या उम्मीद करते हैं बेटे? बस यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अच्छा अपना जो मौका मिलता है उस मौके पर खरा उतरना है और जो आपके ऊपर BCCI ने और सेलेक्टरों ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना है। विकेट के तौर पे अब तक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है ध्रुव ने जी। वो विकेट कीपर, वो काफ़ी मेहनत की है उसने और वो अपने आइडियल महेंद्र सिंह धोनी जी से काफ़ी सीखता था, देखता था और उनका जो वीडियो वगैरह चलते हैं जब वो मैच खेलते थे तो हर मैच को बहुत गहराई से डीपली देखता था कि ये कैसे स्टंपिंग कर रहे हैं, कैसे रन आउट कर रहे हैं, इनका गैदरिंग कैसी कर रहे हैं, ये सब बातों को बड़ा सीरियस देखता था महेंद्र सिंह धोनी जी को। क्या उम्मीद की जाए आने वाले समय में धोनी के तौर पर देख सकते हैं? नहीं, ये ऐसे तो नहीं मैं बोल पाऊंगा, वैसे बहुत स्टार सुनील गावस्कर जी, अनिल कुंबले जी काफ़ी उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर बाकी मैं तो नहीं ये कह पाऊंगा कि वो धोनी जी से तुलना की जाए, पर प्रयास जरूर करूंगा। बेटे से यही कहूंगा कि बेटा धोनी जी की तरह ही करना है और उनके ही तरह पदचिन्हों पर चलना है।